अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स टू स्टार्ट इंग्लिश लिटरेचर फॉर क्लास द लेसन विच मेडिसिन एंड मशीन्स एंड द लेसन नंबर इज यूनिट नंबर ट्वेंटी एंड मशीन्स सो स्टूडेंट्स हम इस लेसन की रीडिंग पहले ऑनलाइन क्लासेस में कर चुके हैं हमने इस लेसन में क्या थॉमस एडिसन के जितने भी इन्वैशन हैं उनके बारे में पढ़ा है और वो इन्वेंशन उसने किस तरह से की वो सब कुछ हमने इस चैप्टर में रीड आउट किया है कि उसकी जर्नी किस तरह से स्टार्ट हुई और उसने क्या क्या इन्वेंशन की और किस तरह से की ये सब कुछ हमने इस चैप्टर में सब कुछ पहले ऑनलाइन क्लास में पढ़ चुके हैं सो so, आज हम लोग क्या करेंगे कि आज हम लोगों ने वर्कबुक पर से पेज नंबर थर्टीन करना है पेज नंबर थर्टीन पर एक्सरसाइज बी है एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स के सेंटेंसेस हमें दिए गए हैं हमने उन सेंटेंसेस को अपनी वर्डिंग में यूज़ करके उसको एक्सप्लेन करना है ये सेंटेंसेस जो हमें बुकलेट पर दिए गए हैं ये इसी चैप्टर में से लिए गए हैं ये लाइन्स एज इट इज़ इसी चैप्टर में से ली गई हैं और इनको हमने अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है सो so, द फर्स्ट सेंटेंस इज़ योर बॉय सीम्स टू बी बैकवर्ड जब हमने चैप्टर में पढ़ा था तो हमने इसकी ट्रांसलेशन उर्दू ट्रांसलेशन के साथ इसको पढ़ा था योर बॉय सीम टू बी बैकवर्ड यानी आपका लड़का बहुत पसमानदा लगता है पसमानदा यानी जो कि स्टडी में बहुत पीछे हो कम सीखने वाला हो तो इसी वजह से ये जो सेंटेंस था ये सेंटेंस थॉमस एडिसन की जो टीचर थी उन्होंने उनकी मदर को ये सेंटेंस कहा था योर बॉय सीम्स टू बी बैकवर्ड अब इसको हमने अपने वर्ड्स में किस तरह से एक्सप्लेन करना है द टीचर थॉट थॉमस एडिसन वॉज अ स्लो लर्नर कि टीचर को क्या लगता था कि जो थॉमस एडिसन है वो सुस्त सीखने वाला या फिर सुस्त सीखने वाला या फिर आ, कम सीखने वाला टीचर ये समझती थी कि थॉमस एडिसन जो है वो क्लास में एक ऐसा बच्चा है जो कि कम रिस्पॉन्स करता है या कम सीखने वाले बच्चों में से है तो वो जो टीचर हैं वो उनकी मदर को क्या कहती हैं योर बॉय सीम्स टू बी बैकवर्ड तो इसको हमने अपने वर्ड्स में किस तरह एक्सप्लेन किया है द टीचर थॉट थॉमस एडिसन वॉज अ स्लो लर्नर के टीचर को ये लगता था कि वो एक सुस्त सीखने वाला बच्चा है सेकेंड सेंटेंस इज़ इट डजेंट सीम्स टू बी मेक सेंस कि इसका कोई मतलब नहीं समझ आता या इसका कोई मतलब नहीं लगता सो so, इसका इसको हम अपने वर्ड्स में किस तरह यूज़ करेंगे द वर्क मैन डिड नॉट अंडरस्टैंड हाउ द ऑब्जेक्ट इन दिस स्केच एडिसन गेव हिम वुड वर्क अब ये किसकी तरफ इशारा किया गया है इस लाइन में किसकी तरफ बताया गया है कि जब थॉमस एडिसन एक स्केच अपने वर्कर को देता है कि मुझे ये मशीन बना के ला कर दो तो उसका जो वर्कर होता है उसको इट डजेंट सीन्स टू बी मेक सेंस कि उसको उस मशीन का उस स्केच का कोई मतलब नहीं समझ में आता सो क्या बताया हुआ हमने द वर्क मैन डिड नाट अंडरस्टैंड यानी जो वो काम करने वाला आदमी था उसको बिल्कुल समझ नहीं आया हाउ द ऑब्जेक्ट इन दिस स्केच एडिसन गेव ही वुड वर्क एडिसन ने जो स्केच पर उसे चीज़ दी है कोई मशीन बनाकर दी है जो स्केच में उसको बना कर दिया वो किस तरह से काम करेगी नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर थ्री वाई एडिसन वॉज कॉल्ड द विज ऑफ मेनलो पार्क अब यहाँ पर इन्होने हम ये पढ़ चुके हैं कि थॉमस एडिसन को मेनलो पार्क का विजिट कहा जाता था यानी वहाँ का जादूगर कहा जाता था उसके पीछे क्या रीज़न थी ये भी हम चैप्टर में पहले पढ़ चुके हैं कि उसके पीछे ये रीज़न थी कि थॉमस एडिसन ने मेनलो पार्क यानी वो जो लेबोरेटरी थी वहाँ पर इतने एक्सपेरिमेंट्स और इतनी इन्वेंशनस की थी कि वहाँ के जो लोग थे वो उसको क्या समझते थे वहाँ का जादूगर समझने लग गए थे सो so, हमने इस लाइन को किस तरह से अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है बिकॉज ही इन्वेंटेड और इम्प्रूव्ड ऑन सो मैनी प्रैक्टिकल डिवाइसिस वायल्ड ही वर्क देयर डेट इट्सम डेट ही वॉज अ म्यूजिशन कि जब वो वहाँ पर काम करता था तो उसने क्या किया बहुत सी इन्वेन्शंस की और बहुत सी उसने पहले से जो इन्वेंशनस हुए थे उनको इम्प्रूव किया बहुत से डिवाइसिस को सो so जो वहाँ पर जो लोग थे जो वहाँ पर मेनलो पार्क के लोग थे वो उसको क्या समझते थे थॉमस एडिसन को एक म्यूजिशन समझते थे यानी जादूगर समझते थे इसलिए थॉमस एडिसन का जो नाम था वो क्या हो गया द विज़िट ऑफ मेनो पार्क के मेनलो पार्क का जादूगर बिकॉज ही इन्वेंटिड और इम्प्रूवड ऑन सो मैनी प्रैक्टिकल डिवाइसिस वाइल ही वर्क देअर डैट इट्स डैट ही वॉज अ मिजिशियन के उसने इतनी इन्वेंशन की और इतनी इम्प्रूवमेंट की इन्वेंशन में कि वहाँ के लोग उसे वहाँ का जादूगर समझने लगे द क्वेश्चन नंबर फोर इज़ वर्ट आर लेबोरेट्री इज़ के लेबॉरट्री क्या चीज़ है A laboratory इज़ अ प्लेस where साइंटिस्ट कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट अब लेबॉर्ट्री क्या है लेबॉर्ट्री कोई भी ऐसी जगह जब कोई भी ऐसी जगह का नाम है जहाँ पर साइंटिस्ट क्या करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और अपनी इन्वेस्टिगेशंस को टेस्ट करते हैं सो लेबॉर्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ पर साइंटिस्ट ने क्या करना होता है अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी होती हैं और अपने एक्सपेरीमेंट्स को सर अंजाम देना होता है नेक्स्ट है पेज नंबर फोटीन पेज नंबर फोर्टीन पर वर्ड द फॉलोइंग आर क्वेश्चन है वर्ड द फॉलोइंग आर कि उन्होंने हमें ऑब्जेक्ट्स के नाम दिए हुए हैं अ सिलेंडर अ डायफ्राम टिन टिनफॉल अ ग्लोब अ वैक्यूम हमने क्या करना है उन वर्ड्स को एक्सप्लेन करना है बताना है कि ये चीज़ें क्या हैं और किस लिए यूज़ की जाती हैं लाइक फर्स्ट वर्ड इज़ आ सिलेंडर अ सिलेंडर इज़ एन ऑब्जेक्ट शेप लाइक अ ट्यूब कि सिलेंडर क्या चीज़ है कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी शेप किसकी तरह हो एक ट्यूब की तरह हो उसको हम क्या कहते हैं सिलेंडर कि कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी शेप किसकी तरह हो एक ट्यूब की तरह हो उसको हमने क्या कहना है सिलेंडर कहना है सेकेंड वन इज़ अ डाया फ्राम क्या चीज़ है अडाया फ्राम इज़ अ डिस्क डैट वाइब्रेट टू प्रोड्यूस और ट्रांसमिट साउंड वेव्स कि डाया फ्राम एक डिस्क की तरह की शेप की एक ऑब्जेक्ट होता है और उसमें से क्या होता है उसको हम किस लिए यूज़ करते हैं कि उसको हम जब वाइब्रेट करते हैं ना तो उसके वाइब्रेट होने से क्या होता है साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और आगे ट्रांसमिट होती हैं तो साइंस में हम डाया फ्राम किस लिए यूज़ करते हैं कि साइंटिस्ट ने क्या करना होता है एक डाया फ्राम एक डिस्क की तरह की एक ऑब्जेक्ट होती है उसको जब भी हम वाइब्रेट करेंगे तो उसमें से क्या होगा साउंड वेव जो हैं हमारी वो प्रोड्यूस हो होंगी और ट्रांसमिट होंगी नंबर थर्ड इज़ टिन फॉइल टिन फॉइल इज़ टिन इन द फॉर्म ऑफ अ टिन शीट अब टिन फॉइल क्या चीज़ है कि ये एक शीट है और जो किसकी फॉर्म में होती है टिन की फॉर्म में होती है ठीक है द नेक्स्ट इज अ ग्लोब अ ग्लोब इज एन ऑब्जेक्ट शेप लाइक अ बोल ग्लोब क्या चीज़ है कि अ ग्लोब एक ऐसी चीज है जिसकी शेप किसकी तरह होती है एक बोल की तरह ठीक है द नंबर फाइव इज अ वैक्यूम इज एन इन क्रॉस स्पेस्ड फ्रॉम विच एवरी थिंग इवन एयर हैज बीन कंप्लीटली रिमूवड कि वैक्यूम कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर क्या होता है कि कोई उसकी स्पेस के अंदर कोई भी चीज़ नहीं होती यानी वो बिल्कुल अंदर से एम्पटी होता है इवन के वहाँ पर अंदर उसके स्पेस भी नहीं होती तो कोई भी ऐसी सरफेस जिसके अंदर कोई एयर या फिर कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं हो तो उसको हम क्या कहते हैं वैक्यूम कहते हैं कि जिसके अंदर एयर भी प्रेजेंट ना हो कोई भी ऐसी स्पेस तो उसको हम क्या कहेंगे वैक्यूम कहेंगे सो स्टूडेंट्स पेज नंबर थर्टीन एंड पेज नंबर फोर्टीन आप लोगों ने अपनी बुक पर राइट डाउन करना है और इसको लर्न भी करना है That's all for today's lecture. Thank you so much. Allah Hafiz.